अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी चिंता है, जो हम पहले से आपसे साझा करते रहे हैं, उसको लेके है। और ये अत्यंत गंभीर स्थिति में बात पहुंच रही है, इसलिए इसकी जानकारी आप सबको होना चाहिए। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेके अब तक कम हुआ। आज ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी चिंता है, जो हम पहले से आपसे साझा करते रहे हैं, उसको लेके है। और ये अत्यंत गंभीर स्थिति में बात पहुंच रही है, इसलिए इसकी जानकारी आप सबको होना चाहिए। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी का संकेत है। तो ये हम सबके लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है, नंबर एक। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।